भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर लगा है एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं, एक यूट्यूबर है। उनका कहना है कि पवन सिंह अपने गानों में जो व्यूज़ उनके गानों में आ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी लगातार उनके व्यूज़ में जो है तेज़ी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि गूगल को पैसे देकर पवन सिंह ने अपने गानों के व्यूज़ बढ़ाए। आप जान रहे होंगे लॉकडाउन के कारण इस वक्त पवन सिंह आरा में हैं और वहीं पर अपने घर में जो उन्होंने स्टूडियो बना रखा है वहीं पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सारे गानों के ऑडियो रिलीज़ वहीं से वो कर रहे हैं। और इस पर एक यूट्यूबर ने उठकर पवन सिंह पर आरोप लगाया और बदले में पवन सिंह ने उसे फ़ोन करके, अपने दोस्त विक्की सिंह के साथ फ़ोन करके उसे धमकी दी है। ये विवाद अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और इस पर नई नई बातें सामने आते जा रही हैं। लोगों का कहना है कि जो यूट्यूबर है वो ज़्यादातर खेसारी की जो फिल्में हैं और उनके गाने हैं उनके लिए रिव्यूज़ डालता है, अच्छे रिव्यूज़ डालता है। जब उसे पवन की फिल्मों के और गानों के रिव्यूज़ डालने रहते हैं तो वो बायर्स हो जाता है, यानी कि वो पवन के ख़िलाफ़ जाकर वो न्यूज़ डालता है। और ऐसा कहना है पवन सिंह का और उनके दोस्त विक्की सिंह का। ये लगातार इसी तरह की हरकतें तकरीबन 7 से 8 महीनों से करता जा रहा है। उसे काफ़ी दिनों तक हमने टॉलरेंट किया लेकिन अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत ही बेबुनियाद है और ये कहीं ना कहीं पवन सिंह की इमेज पे बट्टा लगाने जैसा है। इस पर विक्की सिंह का कहना है कि वो जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई भी उस यूट्यूबर के खिलाफ करेंगे और जितना हो सके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। खैर, आपको बता दें कि पवन सिंह के फैंस का उस यूट्यूबर को लेकर ये कहना है कि ये सारा किया धरा खेसारी लाल यादव के इशारों पर हो रहा है, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लोगों का ये कहना है कि खेसारी के कई शोज में वो यूट्यूबर जा चुका है और खुद खेसारी लाल यादव ने दिल्ली वाले स्टेज शो पर उसका नाम लेकर उसे स्टेज पर भी बुलाया था। खैर, अब बात सामने आ रही है कि वर्ल्ड वाइड म्यूजिक के मालिक रत्नाकर कुमार, जिनके यूट्यूब चैनल के तहत कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज किए जाते हैं, कई फिल्में रिलीज की जाती हैं और उनका यूट्यूब चैनल भोजपुरी का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब म्यूजिक चैनल है जिसके तहत कई भोजपुरी बड़ी फिल्में और कई भोजपुरिया बड़े कलाकारों के सॉन्ग रिलीज़ होते हैं। जब उनसे बात की गई इस बाबत तो उनका ये कहना है कि ये टोटली बात फेक है, ऐसा पवन सिंह कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि जो रिलीज़ गाने हो रहे हैं वो हमारे म्यूज़िक कंपनी के तहत हो रहे हैं, ना कि पवन सिंह के यूट्यूब चैनल या पवन सिंह की म्यूज़िक कंपनी के तले। और जो हमारे म्यूज़िक के बैनर तले रिलीज़ हो रहे हैं तो उसे प्रमोट करने का तरीका हमारा होगा, ना कि पवन सिंह का। पवन सिंह का काम जो रहता है हमें ऑडियो रिलीज़ दे देना और उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, उसकी प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो इस तरह जितने भी इल्ज़ाम पवन सिंह पे लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं और पवन सिंह का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी अपने तरफ से रत्नाकर कुमार ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है कि पवन सिंह का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कोई गाने के व्यूज़ नहीं बढ़ाए हैं, भले ही लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लेकिन लोग पवन को सुनना पसंद करते हैं और लोग आजकल रितेश को सुनना भी बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए उनके गानों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा जो है वो यहीं थम जाता है कि आगे और भी बढ़ता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।